के ट्रैक पर जिसका नाम है हार्ट ब्रेक इज नेचुरल। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फट से रिएक्शन को भी देखें, लाइक करें। और रिएक्शन हमारा बहुत पहले आया था, पर क्या कहते हैं, टेक्निकल खराबी की वजह से रोशन के यहाँ से वाईफाई उड़ गया था थोड़े टाइम के लिए। हाँ, मतलब इसलिए सुबह आया था मैं रिकॉर्ड करने, पर शाम में अप कर रहा हूँ। यस ब्रो, स्टूडियो में आया था रोशन, पर स्टूडियो में वाईफाई की दिक्कत। लेट्स गो मैन, चालू करते हैं। नो बकवास, हार्ट ब्रेक इज नेचुरल। और ये भाई फाउंड आउट रिकॉर्ड्स। हाँ, फाउंड आउट रिकॉर्ड्स से आया भाई, मतलब है बेला के चैनल भाई। यस, पर गाना इन्होंने मतलब एक तरीके का लेवल इनका है, मतलब यस। हाँ, और गाना जाने वाला है सब। फाउंड आउट रिकॉर्ड ने हमें जे ट्रिक्स वाली रील में भी मेंशन करा था। यस, तो भाई ज्योति सरदार एंड उन सबके साथ एंड में अब वो पता नहीं, हमें जानबूझ के पीछे रखा या सबके साथ रखा, क्योंकि सब बड़े वहीं थे, पता नहीं। आई डोंट नो। हाँ ठीक है ना, मजाक नहीं उड़ाओ, जाके रील चेक करना अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो। लेट्स गो मैन, आज की तरह लौंडे आर्टिस्ट हैं। यस, गो भाई। और हाँ भाई, वीडियो है ब्रो, फाउंड आउट रिकॉर्ड्स के साथ वीडियो है ब्रो, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और वीडियो मेरे को कुछ मस्ती लग रही है, पहला जिस तरीके से दिखा हुई कॉफिन से बाहर आ रहा है। यस, कॉफिन से बाहर आ रही कर दे मुझे तू मोहब्बत में, क्यों तुमसे जुड़ा और खुद का भी हो ना सका, ये खामोशी लेती है चैन मेरी, जरा जान ले तू मेरा नहीं तो किसका हुआ। भाई पहला पे क्यों सूट कर रहा है ये कैरेक्टर? हाँ, क्या चीज, मैं कह रहा हूँ गन निकल के ऐसे लगा रहा, जैसे वो लाइफ पे आता है ना ब्रो, मेरे को लगता है कुछ वो मतलब एग्रेसिव हो जाता है ना वो बहुत, मेरे को तलंजुम वाली फील आई। हाँ, मतलब पतले 9mm की। हाँ, पतले, दोनों पतले वो लाइफ पे थोड़ा वो एग्रेसिव हो जाता है ना। मैं गन्ने के लूट पाट मतलब एकदम से मेरे को लगा हाँ भाई कर सकता है बेटा सीधे। मजाक है ब्रो, मजाक है, थोड़ा ह्यूमर भी लिया करो, हर चीज गाली देना ही नहीं होता भाई। हाँ, तो जिनमें दिमाग है भाई, ये भी इमोशन होता है, एंगर भी बंदे का इमोशन होता है, तो ये मत सोचना है आप गुस्सा बोल दे। लेट्स गो मैन। हर दिन खत्म भी तो लिखते थे, पर क्या हुआ वो तोड़ के फिर ना मुड़ा, गुजारिश तो हमने भी लाखों की, क्या कीमत लगाई बताऊं की, जो तूने कहा वो मैंने किया, वो सबसे पहले मुझे कहा करती थी वो कैसी है, पूरी दुनिया जाने मुझे पता ही नहीं वो कैसी है, वो जिसे मेरे हिस्से में बस पूरी दुनिया जाने पर मुझे पता नहीं है वो कैसी है। यानी वही है मतलब कि वो दगा करने वाली है और मुझे नहीं पता, बस पूरी दुनिया जानती है कि वो दगा करने वाली है, दगा बाज रहे हैं, दगा बाज रहे। बिल्कुल ऐसा ही सीन है। लेट्स गो। पता ही नहीं वो कैसी है, वो जिस दिन मेरे हिस्से में बस यादें देके गई, उस दिन मेरे सीने से वो वफा लेके गई, कहानियां ही रह गई उसकी सारी हसरतें, वो बेशक मेरी कलम को दे गई है बरकतें, पर मैं ऊपर आके उसके बिना तन्हा हूं, मैं हर दिन खुद को तेरी गलतियों की सजा दूं। लग रहा है वो लड़की मरवा देगी इसको एंड में, जैसे कॉफिन में पड़ा हुआ है ना। हाँ, है ना, ऐसी कुछ है, तभी वो लिरिक्स भी वैसी जा रहे हैं, वो उस पहले सब कुछ चोरी डकैती जो भी कर रहा है। हाँ, वो भी शामिल है, पर दिख रहा है कि वो उसी की वजह से कर रहा है शायद से ऐसा। हाँ, उसकी वजह से मरेगा ये लगता है इसे। इतना सब करने के बाद भी अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर तू किसका हुआ एक तरीके से, ऐसा ना कह रहा हूँ। पैसा पैसा दिख रहा है मतलब वीडियो में। पैसा पैसा पैसे को खाएगा क्या?
हाँ वही वाला ओके हो गया हार्ट बजा तो रहना है दुनिया जैसे में दीवानी है जी तू छंटे आते पता लग गया प्यारे चीजी बेगानी है हमने कैसे यार वो चेंज मेरे को पसंद थी यार बेला की क्यों ले जा रही है वो इसको तो मैं पहन लूंगा कौन है ये लड़की सही में भाई वो चेंज बहुत अच्छी लगती है भाई छील दीजिए भाई लड़की गा बहुत अच्छा रहा है भाई हाँ वो चार लाइन मेरे को लगा कि एक गाना बन जाना चाहिए इसी जोन में है ना क्योंकि उसने पहले ट्रैप स्विच हुआ देन उसके बाद रेगेटन स्विच हुई अब उसके बाद रेगेटन बीट भी है और उसने वो क्या कहते हैं पंजाबी एंड पूरा वो फ्लो ही चेंज कर दिया ना बहुत सही है ब्रो तीसरा स्विच है एक तरीके से मतलब देखा जाए तीसरा स्टाइल है एक गाने में यस पता लग गया वैसे नहीं लगा फलक का तेनू चंगा लगा प्यार किसी और का तेनू फिक्र ना का मेरे और का सोनी है गाने की तरह अब यार हाँ फलक 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 का फलक हाँ, का फलक का गाना वैसे ही लगा ब्रो मेरे को अब हाँ, ये नीचे आ जाएंगे कॉपी बोल रहे हो इन्होंने भाई भाई वैसी आई मुझे मैंने बोल दिया बस बता रहे हैं हाँ बता रहे हैं बस मेरे को ऐसा लगा ब्रो मैं नहीं कह रहा कि बेला ने वैसा करा है मेरे को वैसा लगा यस सुना भी होगा ब्रो उसने आर्टिस्ट है ब्रो खतरनाक ओके किसी और खान निकल ली दगाबाज भुगाबाज रहे यार गोल्ड डिकर भी नहीं कह सकते ऐसी लड़की को क्या कहेंगे हम प्रोसेसर पैसे तो सारा वो था उसके पास क्या डकैती हो गई थी सांठ डाल रहा है तो पैसा तो बेला के पास भी हो गया ऐसी लड़कियां तो गोल्ड डिकर भी नहीं होती इनको क्या कहा जाए अबे तू खाली अब दूसरे को खाली करने जा रही है वो ओके वो सर पे मार के सारा बटोर के लेगी अब दूसरे पे हाँ यार और दूसरे को भी लूटेगी ओके ओके एक से लूट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है मेरे को हाँ भाई अब ये बंदा थोड़ी बाइक पे लेके जा रहा है तो लेके जा रहा है वापसी आएगा नहीं ये पता सही बात है हाँ तू आती नहीं बेगाना ही कर दे मुझे तू मोहब्बत में क्यों तुमसे जुड़ा और खुद का भी हो ना सका ये खामोशी लेती है जान मेरी जाना जान ले तू मेरा नहीं तो किसका हुआ चाहिए था जैसे जो चेन पे हाथ लगा रही थी ना बेला की मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई सच्ची में मेरे को तो यही चाहिए था मैं तो पहलने के मूड में था इसको ब्रो वो दूसरे बंदे को भाई 400 पपिया भाई बेला के फ्रेंड को जिसने उसको मार दिया थैंक यू ब्रो थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच भाई जो भी था तुम्हारा जो भी नाम है भाई मजा आ गया भाई सही करा yes. बेला भाई को लूटेगी अपने वो भी चेन चोरी करेगी मेहनत की कमाई हुई और वीडियो को दिल पे ना ले हाँ। भाई बंदे बोले ऐसा बोल लो वैसा बोल लो ठीक है भाई बेला की जब तक भाई चोरी का पैसा चुराया मैंने कुछ नहीं कहा पहला कि मेहनत की कमाई की तो चेन चोरी कर रही है नो ब्रो ये नहीं चेन, ये नहीं होने चलेगी नहीं चलेगी वो चेन स्नैचिंग नहीं चलेगी हाँ नो ब्रो नो स्कोर रोशन सर गाना बहुत बढ़िया भाई गाना बहुत बढ़िया मतलब रैगेटन वाली बात जो है वो बीट की बीट बहुत जगह चेंज होती गई है और गाने का हिसाब किताब भी बहुत जगह चेंज होते गया है भाई मतलब पंजाबी में हुए हिंदी में हुए और जो बेला स्टाइल है वो भी हुआ यस कुछ नया भी लगा मेरे को मतलब मेरे को वीडियो भी बहुत मतलब बेला की तरफ से ब्रो ऐसी वीडियो आना बहुत अच्छी बात मतलब बेला जो है आर्टिस्ट वो सॉन्ग्स बनाने में ज्यादा क्या कहते हैं दिलचस्पी दिखाता है और भरोसा रखता
विश्वास रखता है, बहुत आते रहते हैं भाई, वो ट्रैक्स ज्यादा प्रोड्यूस करता है, वो ये नहीं सोचता कि एक बनाऊंगा वीडियो के साथ बनाऊंगा और एक ही बनाऊंगा, नहीं ब्रो मैं 10 बनाऊंगा भले ही बिना वीडियो के बना दूं। Yes. तो वो कैलिबर है उसका जो कि बहुत सही है। हाँ पर मैं वीडियो कहूंगा वीडियो की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, डायरेक्शन भी मेरे को ठीक लगा, पर मतलब एकदम पॉलिश्ड वीडियो नहीं लगी मेरे को, मैं सच्ची बताऊं एक क्रिटिसिज्म मेरे को बस वीडियो में, वो मेरे को ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट के हिसाब से है ना, क्योंकि मेरे को पॉलिश नहीं लगी वीडियो, मतलब हाँ उसमें सही था शॉर्ट्स थे ये था वो था स्टोरी लाइन थी, हाँ जैसे कि जो रॉनेस वाला हिसाब था, मैंने और भी बेला की वीडियो में देखे तो जैसे वो है वैसी ही है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हाँ वही वही पर उसकी लेन की है, अगर वो लेन की वैसी बना रहा है तो बात अलग है, और अगर वैसे कोई अलग कुछ और बात है तो बात अलग है, क्योंकि मतलब जब लेबल, अब वो मेरे को नहीं पता लेबल ने बनवाई है वीडियो, ये मुझे नहीं पता बेला ने बनवाई है, पर मेरे को अगर लेबल का नाम दिखता है तो दिमाग में ही आता है कि भाई लेबल बनवा रहा होगा वीडियो, लेबल पे कर रहा होगा जो भी है, मतलब इन्फ्लुएंस्ड है तो वो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा निकले एक तरीके से वाला सी, तो मेरे को लगा था है कि भाई टाइप बीट जैसा हिसाब किताब है कि टाइप वीडियो बेला टाइप वीडियो तो पता नहीं तो क्रेजी हो सकता है ना, हाँ भाई हाँ क्योंकि ये कलमिंग के साथ भी मैं देखता काफी, क्योंकि कलमिंग तो खुद ही शूट करता है ना, कलमिंग का मतलब उसका खुद ही बनाता है वो खुद ही करता है, जब कभी अभी लेबल आया तो तब मेरा, वरना मेरे को कंप्लीट नहीं होती बेला की वीडियो से, पर लेबल का नाम आ रहा है तो मेरे को थोड़ा ऐसा हो रहा है कि हाँ यार मतलब कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी जो कि हुई है स्टोरी, वैसे तो मेरे को नहीं लगता कि बेला ने सोच के ही लिखा है ब्रो सारा ये, तो उसके दिमाग में विजन तो था इस वीडियो का इतना मुझे पता है, तो लेबल ने स्टोरी लाइन तो नहीं बनाई, थोड़ी बहुत जरूर करी होगी अगर कर, मैं इतना क्यों घुस रहे हैं, गाना मस्त है वीडियो भी अच्छी है, बस मेरे को लगा कि प्रोडक्शन मतलब दिखने में और अच्छी दिखती तो बस और एक अच्छा होता, होता है और एक प्रोफेशनल तो इन दोनों के बीच, हाँ ये वाला सीन यस, और वो भी सिर्फ लेबल के नाम से, अगर लेबल का नाम नहीं होता तो मैं इस वीडियो को बहुत ही अच्छी बता रहा होता, क्वालिटी में भी अच्छी बता रहा होता, क्योंकि भाई बंदा अकेले कर रहा है ब्रो टीम लेके अपनी कुछ भी जुगाड़ करके तो वो बहुत बड़ी चीज होती है, ये वाला सीन है बस, अब इसका क्रिटिसिज्म समझो या मुझे गाली दो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर ये लेजिट बात है भाई, मतलब जो मेरे को लग रहा था वो मैं बोल दिया बस, क्यों रोशन सर डिवाइन का गाना सुन के आ रखा है तो फर्क नहीं पड़ता इसको, बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक